कोशिश किया जा रहा है। तो साथी बंगाल जहां से मैं आती हूँ, बंगाल में कहावत है, कविता है कि जखनी जनता चाहे वस्त्र और खाद्य सीमांत भेजोगे जब देर बाद में। हिंदी में ये होता है कि जब भी जनता अपनी मांगे चाहते है तब भी सीमांत में युग का जो बिगुल वो बिगुल सुनाई देता है। तो साथी आज स्थिति वैसा है सारे देश में। पिछले एक साल में आप जानते हैं कि बेरोजगारी डबल हो गया है, 3.5% से 7% हो गया है। हर जगह में जो देश को तैयार करता है, देश का संपद जिसके हाथ से बनता, जिसके हाथों से बनते हैं, वही मजदूर वही किसानों के ऊपर एक हमला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे देश का संपद विदेश में ले जाके बैठे हैं करोड़ों का रुपया। वो जो मेहुल चौकसी है या नीरव मोदी एंटीगुआ बोल के द्वीप में जाके हमारे करोड़ों रुपया, कौन सा रुपया, जो संपद हमारे मजदूरों ने तैयार किए हैं, जो संपद हमारे किसानों ने तैयार किए हैं, वो संपद लेके आज वो लोग विदेश में बैठे हैं। और हमारे सरकार क्या कर रहे हैं, हमारे सरकार सीमांत में जंग का खेल खेल रहा है। जबकि जंग होना चाहिए किसके खिलाफ, जंग होना चाहिए जो हमारे संपद चोरी करता है उसके खिलाफ, जंग होना चाहिए शासक वर्ग के खिलाफ, जंग होना चाहिए जो मजदूरों को अधिकार छीनते हैं, छीन रहे हैं उसके खिलाफ। तो साथी आज जो धननाथ का एक भयंकर माहौल है ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, तो हम लोगों को एक दूसरा युद्ध उन्माद का माहौल तैयार करना होगा। आज हमारे सामने मजदूर वर्ग के सामने एक चुनौती है। एक पुराना कहावत है कि मजदूर जब तक मजदूर एकजुट नहीं होते हैं, जब तक मजदूर अलग अलग रहते हैं, तब उस मजदूर के अंदर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब मजदूर एक वर्ग के हिसाब से एकजुट हो जाते हैं, जब मजदूर एकजुट होके एक वर्ग बना लेते हैं और वो वर्ग का चेतना उसके अंदर होता है, तब उस मजदूर वर्ग ये पूरा जो सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को ध्वस्त करके एक नया सिस्टम मजदूर वर्ग का राज ये तैयार कर सकता है। तो साथी ये चैलेंज आज हमारे सामने है। जब सारे देश में युद्ध उन्माद चल रहे हैं, तब एक दूसरा युद्ध उन्माद, मेहनत कष्ट का युद्ध जो आज मेहनत कशों को शोषण कर रहे हैं, जो बीजेपी सरकार पे बैठ के मेहनत कशों के ऊपर शोषण चला रहे हैं, और जो शासक वर्ग